हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, बात करेंगे एक और पीएचडी एडमिशन के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट की तरफ से आ रहा है, जहाँ पे हम जानेंगे कैसे अप्लाई करना है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी, मिनिमम क्वालिफिकेशन और एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो चलेंगे दोस्तों इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, उससे पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको जो पीएचडी का रहेगा सेशन 2022-23 रहेगा, और यहाँ पे आपका जो इंस्टीट्यूट है एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, यही आपका नया एप्लीकेशन फॉर्म है। डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे आपका होने वाला है, एग्ज़ाम आपको देना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे और सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके साथ यहाँ पे फेलोशिप अवेलेबल है, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे सिलेक्ट होंगे सभी कैंडिडेट्स को फेलोशिप मिलेगी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे आपकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं, आप जीरो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है, यानी आप यहाँ पे फ्री में अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। तो दोस्तों, आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी, सब्जेक्ट्स और इसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कीजिए। तो चलेंगे यहाँ पे आपका जो इंस्टीट्यूट है उसे देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपका जो इंस्टीट्यूट है नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पुणे की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो आपको महाराष्ट्र में इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा। काफ़ी बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर आवेदन कीजिएगा। दोस्तों, ये आपका यहाँ पे पीएचडी एडमिशन जो सेशन रहेगा आपका 2022-23 रहेगा, ये आपका यहाँ पे मार्च के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, ये एडवर्टीजमेंट है। नीचे आएंगे तो हम बात करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, इसके साथ ही आपने जो मास्टर अपना कंप्लीट किया हो उसमें आपने जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी आप JRF क्वालिफाई हो, जो कि CSIR, UGC, DVT कैटेगरी फर्स्ट, और या फिर आप ICMR, VINC, DST इंस्पायर हैं, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ JRF यहाँ पे अगर आप क्वालिफाई हैं तभी यहाँ पे एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा पे दोस्तों, अगर आप JRF क्वालिफाइन हैं तब भी यहाँ पे आप आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर आप JRF क्वालिफाइन हैं तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम का नाम दिया गया है JEE BILS, अगर ये आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई आपने कर रखा है, जो कंडक्ट कराया जाता है NCBS के द्वारा या फिर ITIFR के द्वारा जो कंडक्ट कराया जाता है, अगर आपने उसको क्वालिफाई कर रखा है, जो दिसंबर 2021 में एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया गया था, तो अगर आप इसको आपने क्वालिफाई कर रखा है तभी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके पॉइंट्स दिए गए तो आप इन्हें चेक कर पाएंगे, और इसी के आधार पर यहाँ पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू दोस्तों जो यहाँ पे रहेगा आपका 17, 18, 19 जनवरी को कंडक्ट कराया जाएगा। तो यहाँ पे आपकी डेट्स दी गई तो आप इनको भी पॉज करके देख लीजिएगा। एलिजिबिलिटी दोस्तों यहाँ आपकी फिर से मेंशन की गई, एलिजिबिलिटी में आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर कंसर्न सब्जेक्ट्स में। इसके साथ ही अगर आप यहाँ पे SC ST OBC के नॉन क्रिमिनल डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स हैं तो 5% का आपको रिलैक्सेशन मिलता है। 50% मार्क्स हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पे अगर आपने CSIR, UGC, DVT, ICMR, VINC, DST ये अगर आपने इसका JRF क्वालिफाई कर रखा है तो एलिजिबल हैं, PhD में आवेदन कर पाएंगे। वही पॉइंट्स यहाँ पे फिर से बताए गए हैं तो आप इन्हें भी चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि नेट जो कैंडिडेट क्वालिफाई हैं वो यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे। ये दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिया गया, इस पर आप क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। कैसे अप्लाई करना आगे हम आपको बता देंगे। यहाँ पे बताया गया कि कैसे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ये लिंक दिया गया तो आप इसे चेक कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों जो आपका JRF में रिलैक्सेशन है वो आपके कैटेगरी के अनुसार आपको मिल जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो रिजर्वेशन पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अनुसार आपको रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। लास्ट डेट की बात करें तो इसकी लास्ट डेट 6 दिसंबर 2022 है, उससे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट कर दीजिएगा। ये दोस्तों यहाँ पे शेड्यूल आपका मेंशन किया गया है, जिसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है 6 दिसंबर 2022। पब्लिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो 26 दिसंबर 2022 को पब्लिश कर दी जाएगी। इंटरव्यू आपका 17, 18, 19 जनवरी को कंडक्ट कराया जाएगा। इसके साथ यहाँ पे आपका जो इंटरव्यू का रिजल्ट है वो 23 जनवरी 2023 को रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे 1 मार्च 2023 से अपनी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से आप अपनी PhD कंप्लीट कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन हो जाता है, बाकी यहाँ पे पॉइंट्स अन्य दिए गए हैं तो आप इन्हें चेक कर लीजिएगा आवेदन फॉर्म भरने से पहले। इसके अलावा हम इसके ऑफिशियल साइट पर चलेंगे, कैसे अप्लाई करना उसे भी हम देख लेंगे। अगर आपको ऑफिशियल साइट का लिंक नहीं पता तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यहीं पर आप आएंगे तो आपको एकेडमिक्स में ये यहाँ पे PhD प्रोग्राम मेंशन किया गया, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, तो आपको यहाँ पे फिर से PhD पे क्लिक करना है। PhD पे दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे देखेंगे आपका यहाँ पे जो नोटिफिकेशन वो मेंशन किया गया है, ये फॉर करंट PhD पोजीशन क्लिक है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई का जो लिंक है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन है न्यू में मेंशन किया गया, इस पर आप क्लिक करके जो नोटिफिकेशन मैंने अभी डिस्कस किया आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई पर आपको क्लिक कर देना है, जैसे इस पर आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ओपन हो जाएगा, आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे और यहाँ पे जितनी भी आप डिटेल्स दीजिएगा उन्हें एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, देन यहाँ पे आप फाइनल सबमिट कर दीजिएगा।
इसके अलावा अगर आपकी किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो दोस्तों यहीं पे नोटिफिकेशन में आपको नंबर्स देखने को मिलेंगे, ईमेल आईडी दी गई है, उस पर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर दोस्तों अपना आप क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में पूछ पाएंगे। ये दोस्तों आपका यहाँ पे पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन था जो यहाँ पे नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पुणे की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए थे। एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर आवेदन कीजिएगा, उससे पहले इसका नोटिफिकेशन एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे एक अन्य पीएचडी की जानकारी के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो।